शास्त्र ने बेटी से कहा, माता पिता ने जब कन्यादान कर दिया तो कन्यादान के बाद माता पिता के घर में आने जाने का तो आपको अधिकार है, फिर रहने का अधिकार नहीं, फिर पति के घर में रहने में ही उसका सम्मान है। ये तो बेटी से शास्त्र ने कहा। अब बेटी के माता पिता को भी शास्त्र ने कहा कि अगर कन्यादान कर दिया है तो आज के बाद बेटी के घर में जल ग्रहण करने की अनुमति नहीं है आपको। तो पहले माता पिता बेटी के घर में जल भी नहीं पीते थे, वो भी पड़ोस से मंगाया जाता था, बेटी के घर जल भी नहीं पीते थे, वो जमाना था। आजकल हम बड़ा एक दिन विचार कर रहे थे कि ये कोई रूढ़ बाधिता है, ये गलत है, बेटी के घर में माता पिता जल क्यों नहीं पिएगा। लेकिन जब मैं गहराई से सोचने लगा तो हमें लगा कि वो जमाना ठीक था, क्योंकि माता पिता बेटी के घर में बहुत दखल नहीं करते थे, बहुत उनका आना जाना नहीं होता था, तो बेटी बड़े आराम से रहती थी। और आज मुझे कहने में दुख हो रहा है कि आज एक माता पिता ने भी एक तमाशा बना लिया है कि पूरे दिन वीडियो कॉल पे तमाशे होते हैं और तहां तक होते हैं कि जब तक थाना अदालत कचहरी ना हो तब तक वो मानेंगे ही नहीं तमाशा करते करते। अरे तुमने ब्याह कर दिया, कोई बहुत तकलीफ हो तो दखल करो, पूरे दिन आप तमाशे कर रहे हैं, बेटी को यही पढ़ा रहे हैं कि साहब किसी तरह घर में विरोध हो तभी अच्छा रहेगा, बनाना चाहिए, ये क्या तरीका है, ये ठीक नहीं है। हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। यहाँ कई लोग बैठे हैं जो यहाँ हमारे ये वकील साहब सामने ही बैठे दिख रहे हैं, कई ऐसे लोग हैं जो एडवोकेट हैं, आज वो लोग देख रहे हैं फैमिली कोर्ट में इतनी भीड़ है पांव रखने की जगह नहीं है। और कारण क्या है, कोई बिना पढ़े लिखे लोग नहीं है, वहां पढ़े लिखे लोग फाइलें लिए खड़े हैं, चूंकि कोई किसी को सहन नहीं करना चाह रहा, कोई किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं है। तो परिवार बचेंगे, समाज बचेगा, कहां ले जा रहे हैं आप समाज को। हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि अगर परिवार नहीं बचेगा, समाज नहीं बचेगा, तो क्या ये राष्ट्र बचेगा। सबकी जिम्मेदारियां हैं। आप चिंतन करिए, इस कथा से सोचिए क्या सुनाने जा रहा हूं।